गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हमने स्कूल से छुट्टी ली है क्योंकि हमारे घर पर सभी के आंख इन्फेक्शन हुई है, इसलिए हमने चश्मा भा लिया है। डॉक्टर ने हमको बाहर जाने के लिए मना किया है, तो हमने कल भी स्कूल छुट्टी की थी, पर थोड़ा आज हमारी आंख दर्द कम हो चुका है, इसलिए हमने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं। हमारे घर में थोड़े से मूँगफली थे, उसी को देखिए मूँगफली तोड़ रहे हैं। ये सारे मूंगफली तोड़ने के बाद इसकी पूरी बनाएंगे। ये देखिए हमने सब मूंगफली निकाल लिए हैं, अब हमने इस गैस पर कढ़ाई रख दी है, इसमें भून लेंगे मूंगफली। अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से भून लिया है और अब इसके छिलके निकाल लेंगे ऐसे करके। ये देखिए हमने मिक्सी में डाल लिया है, थोड़ा पीसने के बाद घूट डालकर फिर थोड़ा पीस लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से पीस लिया है, इस तरह से भुरभुरा टाइप पीस लेना है। इस तरीके से लुई बना लेंगे, जो हमने मूंगफली का मिक्सचर बनाया था उसकी भी एक लुई बनाकर उसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से इसके अंदर फिल कर देंगे। और एकदम आटे के अंदर डिप करके इस तरीके से हम दबाएंगे इसको, क्योंकि मूंगफली का मिक्सचर सभी तरफ फैलने के लिए इस तरह से दबाएंगे और बेल देंगे। इस तरीके से इतनी छोटी हो गई तो बस अब हम सेक लेंगे इसको। इसे हम बिना तेल के ही सेक लेंगे, क्योंकि बिना तेल के सेकने से क्या होता है कि हम बहुत दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं, इसीलिए हम बिना तेल के ऐसे सेक लेंगे, तेल नहीं लगाना है। ये देखिए अच्छी तरह से सिक चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे। देखिए ये हमने बचा हुआ मूंगफली का मिक्सचर था, उससे हमने लड्डू बना लिए हैं।